बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया हुआ मैंने, और चैप्टर 3 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ लेक्चर 1 में, जो आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज चैप्टर सॉरी पार्ट 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, चैप्टर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। चैप्टर 1 में हमने सेक्शन 1 से 36 तक पढ़े थे, और आज सेक्शन 37 से ऑनवर्ड जितना भी हो सकेगा। कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म्ड, ये परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से है कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो के लाजमी तौर पर परफॉर्म किए जाने चाहिए। ठीक है, अब इसी से मिलते जुलते स्पेसिफिक रिलीफ में भी है कि कौन कौन से एक्ट्स जो हैं परफॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन करवा सकते हैं, कौन कौन नहीं करवा सकते। बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, ये कोर्ट्स के हवाले से कोई इसमें बात नहीं करता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से था। तो ये इसमें एक छोटा सा डिफेक्ट था, जिसको अगर आपने इंटरप्रिटेशन पढ़ी हो तो इंटरप्रिटेशन में 3 रूल्स होते हैं, गोल्डन रूल, मिसचीफ रूल और लिटरल रूल। तो मिसचीफ रूल यही कहता था कि आप अगर किसी लॉ में कोई डिफेक्ट रह गया, कोई मिस्टेक है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मज़ीद एक और लॉ बनाया जा सकता है। तो बेसिकली ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसको सप्लीमेंट्री लॉ कहते हैं, इसको एडजस्टमेंट लॉ भी स्पेसिफिक रिलीफ को कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद मैं स्पेसिफिक रिलीफ का ही कम्प्लीट एक ही लेक्चर में इसी तरह ओवरव्यू करने की कोशिश करूँगी। चलें आगे शुरू करते हैं जी 37 से। 37 कहता है जी ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टीज़ की जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ हैं उन्होंने मस्ट है कि वो परफॉर्म करना है, ऑफर या परफॉर्म करेंगे या ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म मतलब एक पार्टी विलिंग है परफॉर्म करने के लिए और दूसरी नहीं है, तो फिर वो जो विलिंग है वो ऑफ़र करेगी कि जी मैं परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हूँ, तो क्या मैं ये करूँ, और दूसरी पार्टी या फिर वो सिवाय इसके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब परफॉर्म होगा और कब नहीं होगा, दोनों बातें इस 37 में लिखी गई हैं। कब होगा, या तो वो परफॉर्म कर रही है पार्टी या फिर ऑफर टू परफॉर्म कर रही है, और कब नहीं होगा, या तो उसने डिस्पेंस विद कर दिया, मतलब उसने कहा कि ठीक है वो दूसरे पार्टी परफॉर्म नहीं करना चाहती, उसने कहा ठीक है चलो नहीं करते तो ना करो, या उसने परफॉर्म कर दिया तो डिस्पेंस विद हो गए, फिर वो परफॉर्मेंस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर एक्सक्यूज़ हो गया। एक्सक्यूज़ से मुराद कि वो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही इस तरह की थी कि वो अब परफॉर्म नहीं हो सकता, उसमें ना कोई इम्पॉसिबल एक्ट आ गया या ऐसा इवेंट अक्कर हो गया जो कि अब परफॉर्मेंस उसकी हो ही नहीं सकती। 38 कहता है जी इफेक्ट ऑफ रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अगर एक बंदा ऑफर कर रहा है परफॉर्मेंस की, जो ऑफर टू परफॉर्म 37 वाला, और 38 में वो दूसरी पार्टी जो उसको रिजेक्ट कर रही है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती ऑफर को, तो फिर क्या होगा, तो फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोमिसर की वो ख़त्म हो जाएगी परफॉर्मेंस के हवाले से, और ना ही फिर वो उसके लाइबल होगा उसको परफॉर्म करने के, लेकिन उसके राइट्स मौजूद रहेंगे इस एक्ट के तहत, मतलब वो राइट्स को अपने एक्सरसाइज कर सकता है। अब उसके अलावा वो कहता है कि ऑफर जो है वो राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए क्या कर सकता है, मतलब कोर्ट्स के जरिए वो अपनी रेमेडी अवेल कर सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिर्फ एक ही रेमेडी देता है डैमेजेस की सूरत में, कंपनसेशन की सूरत में, लेकिन जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसने मजीद रेमेडी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेमेडीज ज़्यादा है, बेसिकली वो रेमेडियल रहा है। चले उसको पढ़ेंगे तो फिर उसमें डिस्कस करते हैं मजीद, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो स्पेसिफिक रिलीफ का क्रॉस रेफरेंस लाजमी लिखेगा। अब जो जी ऑफर होनी चाहिए वो कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम एंड प्लेस पर की जानी चाहिए, जहाँ पर मतलब इतना रिजनेबल टाइम हो कि अगला बंदा भी उसको एक्सेप्ट कर सके या परफॉर्म कर सके उस कॉन्ट्रैक्ट को। सेक्शन 39 कहता है जी इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, अगर कोई पार्टी पूरा का पूरा प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए कर देती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब जैसे कि एक पार्टी जो है वो एक लड़के ने किसी लड़की को कहा जी मैं तुमसे वो जो है मैं बहुत लव करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं जो है तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा वो गिफ्ट दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूँगा, ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट वादे वईद उसने कर लिए, और उसने क्या किया पूरा का पूरा ही परफॉर्मेंस करने के लिए उस वो नहीं की, और उसने क्या कर दिया किसी और से शादी करने के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसने दूसरी लड़की से, तो वो जो पहले वाली लड़की है उसे पता चला कि जी उसने तो दूसरी लड़की के साथ वो शादी के भी वादे वही इसी तरह किए हैं, तो क्या होगा, पहले वाली ने उसके साथ वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसको तोड़ा नहीं, मतलब उन्होंने रिटर्न में अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ था, ये शादी वाली एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि वो याद रहती है, तो अगर वो जो दूसरी वाली लड़की थी उसने उसे धोखा दे दिया, उसने उससे शादी नहीं की, तो वो उसने क्या किया वो पहले वाली के पास ही वापस आ गया। तो अब ये 39 कहता है कि अगर वो पहले वाली के पास वापस आएगा तो पहले वाली अब उसे ये नहीं कह सकते कि जी तुमने तो उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, मेरे साथ भी नहीं कर लिया था, लिहाजा अब मैं नहीं करती, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी पहले वाली की लाइबिलिटी या ड्यूटीज़ जो भी थी वो वैसी की वैसी रहेंगी, क्यों, क्योंकि उसने
अगर वो दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो पहले वाले के पास ये राइट था कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करवा सके, कैंसिल करवा सके, ख़त्म कर सके, लेकिन उसने नहीं किया तो फिर क्या होगा कि वो उसकी कंटिन्यूएंस होगी। सेक्शन 40 है जी, बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। कौन से लोग हैं जिनके जरिए कॉन्ट्रैक्ट लाजमी तौर पर परफॉर्म किया जाएगा? पर्संस बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। अब वो कहता है कि जो भी पार्टीज़ हैं, प्रोमिसर है और प्रोमिसी है, दोनों ने उसको परफॉर्म करना है। अगर एक नहीं करती तो दूसरी पार्टी उससे परफॉर्म करवा सकती है। बेसिकली ये प्रोमिसर के हवाले से कि प्रोमिसर अगर तो वो खुद परफॉर्म करने का उसने कहा था, मतलब कोई ऐसा कंडक्टर जैसे कोई पेंटिंग है किसी आर्टिस्ट की, तो वो पेंटिंग उसने खुद ही बनानी है तो फिर वो खुद ही बनाएगा। अगर वो खुद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की नेचर इस तरह की है कि वो खुद ना भी बनाए, कोई और बना दे तो भी चलेगा, तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव भी या कोई भी अथोराइज्ड एजेंट उसको परफॉर्म कर सकता है। सेक्शन 41 कहता है जी, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। अगर कोई थर्ड पर्सन है वो एक्सेप्ट कर लेता है परफॉर्मेंस को, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ऐसे ही होगा जैसे कि प्रोमिसर ने खुद एक्सेप्ट किया है। अब 42 कहता है जी, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज। जॉइंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? एक बंदे ने एक से ज़्यादा लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब एक पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा लोगों के एक ही कॉन्ट्रैक्ट में फाल करते हैं, तो वो तीन से चार लोग हैं। अब तीन से चार में से कोई एक बंदे की डेथ हो गई है तो वो बाकी जो बचे हुए दो तीन लोग हैं उनके ऊपर वो लाइबिलिटी डिवॉल्व हो जाएगी, मतलब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लाजमी तौर पर परफॉर्म करेंगे। दूसरा भी मर जाता है, तीसरा मर जाता है, अगर आखिरी सर्वाइवर भी मर जाता है तो फिर उसके जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसके वो परफॉर्म करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब लाइबिलिटी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। 43 ये कहता है। 44 सेक्शन कहता है जी, एनी वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर मे बी कम्पेल्ड टू परफॉर्म। सारे के सारे जॉइंट प्रोमिसर्स में से किसी एक को भी कंपेल किया जाता है परफॉर्म करने के लिए। अब ईच प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन। अब जो है वो उसने एक से ज़्यादा लोग थे और तो सबको उसने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करें, लेकिन सबने नहीं किया तो उसने किसी एक को कह दिया, उस एक ने परफॉर्म कर दिया और उसने बाकियों की भी लाइबिलिटी दे दी, तो फिर जिसने परफॉर्म किया उसका ये राइट बन जाएगा कि वो बाकियों से उनका कंट्रीब्यूशन दे दे। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। तो जिस तरह प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन होता है, इसी तरह लॉस में भी कंट्रीब्यूशन के वो सारे के सारे लाइबल होंगे। आगे है जी 44, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर। 45 में डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, 42 में था जॉइंट लाइबिलिटीज डेवोल्यूशन और 45 में डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। 44 क्या कहते हैं जी, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ जॉइंट वन जॉइंट प्रोमिसर। अगर एक से ज़्यादा प्रोमिसर थे और उनमें से किसी एक को प्रोमिसी ने रिलीज़ कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो बाकी सारे के सारे भी डिस्चार्ज होंगे, वो बाकी सब डिस्चार्ज नहीं होंगे, बाकी उनकी लाइबिलिटी रहेगी। 45 डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स, ये सेम उसी तरह है जैसे डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज है। उसमें भी लास्ट सर्वाइवर की हद तक वो रहेगा राइट और उसके रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज करेंगे। उसमें लाइबिलिटी थी कि उन्होंने परफॉर्म करना है, मतलब कुछ देने के हवाले से था, और ये डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट है कुछ लेने के हवाले से। तो अगर किसी ने लेना है एक से ज़्यादा से लोगों से, या एक से ज़्यादा लोगों ने किसी एक बंदे से लेना है, तो वो जब तक वो उन सब में से कोई एक भी रह जाता है तो वो लेने के हकदार है। जैसे ये पार्टनरशिप के हवाले से ये रिलेटेड है और उसमें इसी तरह होता है, मतलब पार्टनरशिप एक से ज़्यादा लोगों की, उन्होंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया या लेना था कुछ, तो वो सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो उनका राइट है कि वो ले सकते हैं जब तक कि आखिरी सर्वाइव नहीं कर जाता, और आखिरी के बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव भी ले सकेंगे। अब है जी टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। सेक्शन 46, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। अगर कोई टाइम और स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो फिर क्या होगा? रीजनेबल टाइम पर परफॉर्मेंस की जाएगी। सेक्शन 47 क्या कहता है जी, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड किया गया था और कोई एप्लीकेशन नहीं की गई उसमें, तो फिर क्या होगा कि वो रीजनेबल टाइम में उसको परफॉर्म किया जाएगा, और मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस आवर में, कि जो 8 से 9, 4 बजे तक या 9 से 5 बजे तक बिजनेस आवर्स कहलाते हैं, तो उस दौरान ही उसकी परफॉर्मेंस होगी। ये नहीं कि रात को 12 बजे कोई कहे जी मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो वो ऐसा नहीं होगा। 48, हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स की नेचर ऐसी हो सकती है, जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करने के वाले से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो तो 12 बजे भी हो सकते हैं। अच्छा 48 है जी, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। अब वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस की जो एप्लीकेशन है, मतलब परफॉर्मेंस कब परफॉर्म करना चाहिए, तो उसकी स्पेसिफिक डेट और उसका टाइम और प्लेस जो है वो यूजुअल बिजनेस आवर में ही होने चाहिए।
सेक्शन 49 कहता है जी प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, वी आर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्लेस और टाइम फिक्स नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, रीजनेबल प्लेस और रीजनेबल टाइम पर दिया जाएगा। सेक्शन 50 कहता है जी परफॉर्मेंस हो इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सेंक्शन बाय प्रॉमिसी। अगर तो प्रॉमिसी ने कोई टाइम और मैनर पर प्रिस्क्राइब कर दिया गया तो फिर उसी के मुताबिक ही परफॉर्मेंस होगी। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अब सेक्शन 51 कहता है जी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, प्रोमिस आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिस रेडी टू विलिंग टू परफॉर्म। अब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, रेसिप्रोकल प्रोमिस है, दोनों ने ही अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना है, तो वो दोनों तब तक नहीं करेंगे जब तक कि दूसरा विलिंग नहीं होगा अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 52 कहता है जी ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, अब उनकी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की तर्तीब क्या होगी, तर्तीब से मुराद यह है कि जो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिख दिया है तो वो वैसे होगी, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर जिस तरह की है कि कौन सा एक्ट पहले परफॉर्म करना चाहिए तो उस हिसाब से होगा। सेक्शन 53 कहता है जी लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। अब वो अगर कोई पार्टी दूसरे को प्रिवेंट कर रही है कि वो करने के लिए, जैसे इसमें एक एग्जांपल दी जाती है कि अगर कोई बंदा ने जिसको किसी काम के लिए अपने घर की मरम्मत वगैरह करवाने के लिए या कोई मिस्त्री है उसे घर बनाने के लिए दिया और वो घर बनाने के लिए आ गया और उसके पास वो सामान ही नहीं है, मतलब ईंटें गारा कुछ भी नहीं है, तो वो बैठा है वो तो अपना पर पार्ट परफॉर्म करने के लिए कह रहा है, दूसरे ने ही उसको वो सामान वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जिससे वो परफॉर्म कर सके, तो फिर क्या होगा, वो उसको जितना लॉस हुआ होगा वो उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं उस पार्टी से जिसने उसको प्रिवेंट किया है परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 54 कहता है जी इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसज। अब वो कहता है कि अगर रेसिप्रोकल प्रोमिस में एक पार्टी डिफॉल्ट कर जाती है और दूसरी पार्टी जो है वो विलिंग है परफॉर्म करने के लिए, तो फिर क्या होगा, फिर जो है वो दूसरी पार्टी उससे क्लेम कर सकती है कि वो, मतलब अगर उसको कोई लॉस हुआ उस वजह से तो कंपनसेशन उससे ली जा सकती है। सेक्शन 55 जो कहता है जी इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें उस टाइम पर ही उसे परफॉर्म करना था और वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो फिर क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसका इफेक्ट क्या होगा, मस्ट बी परफॉर्म बिकम्स वाइडेबल, तो फिर वो वाइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। और अगर उसका में टाइम कोई एसेंशियल नहीं था तो फिर वो क्या होगा, कंपनसेशन उससे रिकवर करवा सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन दैट अग्रीड अपॉन, और अगर वो उस फिक्स टाइम पर नहीं परफॉर्मेंस हुई उससे कुछ टाइम बाद फिर वो परफॉर्मेंस हो जाती है, जैसे कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला है, आपने उसने कहा था कि जी मैं आधे घंटे में पहुँचाऊँगा और वो आधे घंटे के बजाय एक घंटे में पहुँचा और एक घंटे में अब क्या हुआ जी, वो पिज़्ज़ा ठंडा हो गया, लेकिन वो परफॉर्मेंस तो हो गया, पिज़्ज़ा तो उसने पहुँचा दिया, तो वो जितना ठंडा हुआ है उसकी वजह से आपको जो उसका टेस्ट ख़राब हो गया तो वो आप उसकी कंपनसेशन वगैरह उससे ले सकते हैं। 56 अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इट्सेल्फ वॉइड। अगर कोई एक्ट कॉन्ट्रैक्ट इट्सेल्फ ही इम्पॉसिबल है तो फिर उसको क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। 57 के कहते हैं जी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, सॉरी इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टर वर्ड्स बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाद में इम्पॉसिबल हो जाता है तो वो भी वॉइड हो जाता है, और कंपनसेशन अगर उसको पता था कि वो पहले इम्पॉसिबल हो जाएगा तो फिर उसकी कंपनसेशन ली जा सकती है, अगर उसे नहीं पता था तो फिर नहीं ली जाएगी कंपनसेशन। सेक्शन 57 कहते हैं जी, ये 56 वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वाला है। 57 है जी रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अगर कोई परफॉर्मेंस जो है वो एक हिस्सा उसका लीगल है और कुछ हिस्सा इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। सेक्शन 58 है जी अल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। अगर कोई ऐसा प्रॉमिस है जो कि एक ब्रांच लीगल है और एक ब्रांच इलीगल है, तो जो इलीगल पार्ट है उसका अगर वो अलोन परफॉर्म किया जा सकता है तो फिर वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स जी, इसमें जो है सेवरल ट्रांजैक्शन, मतलब एक शख्स ने एक से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं एक ही बंदे के साथ और उसने उससे वो जैसे कोई उधार लेता है तो वो एक उधार लिया हुआ है, एक दूसरा लिया हुआ है, तीसरा लिया हुआ है, चौथा लिया हुआ है और उसकी अलग अलग डेट फिक्स है, तो फिर ये उस हवाले से है।
59 कहता है कि एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वी आर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब वो उसने काफ़ी सारे उसके उधार देने और वो उसे पैसे एक पेमेंट देता है और फिर वो उससे बताता है कि जी ये मैं जो पैसे दे रहा हूँ ये फलां डेट वाले कर्जे के पैसे हैं, तो फिर वो उसी डेट वाले ही कर्जे के शुमार होंगे, ना कि बाकी उसने जो उसके अगले पिछले और भी हिसाब किताब है उसमें काउंट नहीं किया जाएंगे। सेक्शन 60 कहता है जी एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अगर उसने पैसे देते हुए ये नहीं बताया कि कौन से कर्जे वाले वो पैसे दे रहा है, तो फिर क्या होगा, जो उसका मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस के हवाले से जो एक्चुअली उस वक्त जो पेएबल होगा, जो लगेगा कि उसको कौन से वाले पैसे, जैसे कि अगर एक डेट फिक्स है तो वो जो इस साल में अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है इस साल की जो डेट फिक्स है तो उसमें देगा, ना कि जो अगले साल की अगर उसने कोई फिक्स डेट पर अमाउंट पे करनी थी तो उसमें काउंट किए जाएंगे। ठीक है, रीजनेबल इसमें जब हम इस आसान अल्फाज में कह देते हैं। 61 कहते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। अगर कोई दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती, वेयर नीदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन द पेमेंट शैल बी अप्लाई टू डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स और ऑर्डर ऑफ द टाइम वेदर दे आर और नॉट बार्ड बाय लॉ इनफोर्स फॉर द टाइम। मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करी तो फिर जो भी उसका डेट था वो चाहे वो कुछ बार्ड बाय लॉ मतलब उसकी डेट गुजर गई हो कि वो पिछले साल वाला डेट है या अब वाला है, तो वो प्रोपोर्शनली जितना भी रिप्रेजेंटेशन उसकी वो होगी उस हिसाब से उसका डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आगे है जी कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म। सेक्शन 62 कहता है जी इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसीशन एंड अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन क्या होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना देना। रिसीशन क्या है कि जी पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना। अल्टरेशन क्या है कि पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में ही कुछ चेंजिंग कर देना। तो फिर जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, नया वाला कॉन्ट्रैक्ट है वही परफॉर्म होगा। 63 कहता है जी प्रोमिसी मे डिस्पेंस विद और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। अब जो प्रॉमिसी है वो डिस्पेंस विद कर सकता है या रिमिट कर सकता है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के, मतलब उसने एक बंदा परफॉर्म नहीं करा तो वो कहता अच्छा चल ठीक है ना कर जान छोड़ो मेरी, तो वो जो है ये प्रॉमिसी के पास राइट है कि वो कभी भी किसी को जान छोड़ सकता है उसकी। 64 जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसीजन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं कि वो अगर उसकी वजह से किसी दूसरी पार्टी ने कोई बेनिफिट लिया है तो वो उस बेनिफिट को रिसीव करने का हकदार है, अगर उसको कोई लॉस पहुंचा है तो वो उससे कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं। 65 है जी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी क्या मसला। अच्छा जी सेक्शन 65 कहता है जी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड हो गया है और उसकी वजह से किसी ने कोई एडवांटेज हासिल कर लिया तो वो कंपनसेशन देने का पाबंद है दूसरी पार्टी को। सेक्शन 66 कहता है जी मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिसीजन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करने का या क्या तरीका का, द रिसीजन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मे बी कम्युनिकेटेड और रिवोक्ड इन द सेम मैनर एंड द सब्जेक्ट एज रूल्स मे अप्लाई टू कम्युनिकेशन रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। वो जो 3, 4, 5, 6 वाली चीज़ें हमने पढ़ी थी सेक्शन, वो सारी की सारी अप्लाई होंगी रिसीजन वाले कॉन्ट्रैक्ट पर भी। सेक्शन 67 कहता है जी इफेक्ट ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। अब जो है वो रीजनेबल परफॉर्मेंस इफ़ एनी प्रॉमिसिंग निगलेक्ट्स और रिफ्यूज, ये अभी हमने ऊपर भी बात पढ़ी है कि अगर वो प्रिवेंट उसे कर रहा है परफॉर्म करने के लिए या निगलेक्ट कर रहा है उसे कि वो उसने उसे स्पेसिफिक चीज़ें परफॉर्म कर देनी थी, जैसे इस एग्जांपल में भी लिखा है रिपेयर के लिए, तो वो उसे निगलेक्ट कर रहा है कि वो उसकी वजह से परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा उसका प्रॉमिसिंग कार्ड पर रिफ्यूज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस काज देयर बाय, तो उसका जो निगलेक्ट है या रिफ्यूज़ल है वो काउंट नहीं होगा क्योंकि उसने उसकी प्रोमिसर की ड्यूटी थी उसे परफॉर्म करना, वो चीज़ें प्रोवाइड करना, उसने नहीं प्रोवाइड की तो फिर प्रोमिसर की कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। चैप्टर 5 है जी। अब हमारा चैप्टर 4 जो था वो 37 से 67 तक है, 3 + 3 = 6 कर लें आप और 7 कॉमन हो गया चैप्टर 4 का। चैप्टर 5 है जी ऑफ सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब 68 है जी क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और हिज काउंट। अब अगर पेपर में आपसे कोई सवाल पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक्सेप्शन भी है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो
एक्सेप्शन, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शन है कि जनरल डेफिनेशन जो कॉन्ट्रैक्ट की है कि वो अग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और दोनों पार्टीज करने के लिए कंपिटेंट होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। तो ये वाले जो सेक्शन है ना 68 से ऑनवर्ड 72 तक आई थिंक है, तो ये जो है एक्सेप्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट के, कि इनको हम कासी कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो क्या कहता है कि जी क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट, अगर कोई शख्स इनकैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब कोई डिसेबल्ड पर्सन है या कोई माइनर है या कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, मतलब साउंड माइंड नहीं है, लुनेटिक है, कुछ भी है, तो उसको अगर किसी शख्स ने कोई सप्लाईज प्रोवाइड की हैं तो वो फिर उसको क्लेम कर सकता है। ठीक है, मतलब जो बेसिक नेसेसरी वाले, मतलब उसे खाना पीना दिया, फूड दिया, शेल्टर दिया, ETC, वो जैसे ये इसको आप गार्डियन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि माइनर के जो है वो देखभाल गार्डियन करता है, तो फिर माइनर की प्रॉपर्टी में से वो रीएम्बर्स कर लेता है। सेक्शन 69 कहता है जी रीएम्बर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अब इसमें जो है वो अगर कोई शख्स इंटरेस्टेड है, इसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाली एग्जांपल ही फिट होती है कि वो एक टेनेंट है और उसने जो टैक्स गवर्नमेंट के पे करने होते हैं, लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी है, लैंडलॉर्ड ने नहीं पे किया तो टेनेंट जो है वो उसे पे कर देता है। क्यों पे कर देता है? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो उसको सील कर दें, घर को बंद कर दें, तो वो उसे भी निकलना पड़े, तो वो फिर उसको अपने किराए वगैरह में से रिइंबर्स कर लेता है। सेक्शन 70 कहता है जी ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेट्यूटियस एक्ट, ये बड़ा मुश्किल लफ्ज होता है, इसका मतलब होता है मुफ्त में। अगर कोई ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि बेनिफिट है, जो उसने मतलब कोई ग्रेट्यूसली, इसे गिफ्ट के हवाले से आप रिलेट कर रहे, तो गिफ्ट के से रिलेटेड नहीं है, गिफ्ट के अलावा है। अगर कोई पर्सन लॉफुली एक्ट करता है किसी और के लिए, लेकिन उसकी इंटेंशन यह नहीं है कि भाई मैं इसे मुफ्त में करूँ, मतलब वो कोई कंसिडरेशन या कोई उससे बेनिफिट अगर उसे मिलना होता है तो वो ले सकता है, तो उसके हवाले से द लेटर इज़ बाउंड टू मेक कंपनसेशन, तो फिर दूसरे ने जो उससे वो बेनिफिट लिया उसको वो बाउंड है कि वो उसे कंपनसेशन देगा ही देगा। ठीक है, हाँ, अगर वो कोई ग्रेट्यूशियसली है तो फिर वो नहीं दे सकता, फिर कंपनसेशन नहीं होती, क्योंकि फिर तो आपने अपनी वो दिली चाहत मोहब्बत से दे दिया ना किसी को, तो फिर तो आप कंपनसेशन नहीं ले सकते, वो फिर गिफ्ट में चला जाएगा। हाँ, 25वें सेक्शन। सेक्शन 71 कहते हैं जी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही है जैसे कि बेली की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट अभी आगे हम पढ़ेंगे। सेक्शन 72 कहता है जी लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉर्शन। अब कोई भी पर्सन जो है वो उस अगर उसके पास कोई गलती से कोई चीज़ आ गई है या किसी ने ज़बरदस्ती उस तक वो कोई चीज़ वो पहुंचा दिया, तो वो क्या करेगा? रीपे करेगा, रिटर्न करेगा उसको जिसकी वो एक्चुअल बनती थी। ये भी इसमें भी पिज़्ज़ा वाली एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि वो पिज़्ज़ा है वो किसी और ने ऑर्डर किया था और पहुंच गया आपके घर पर, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसे रिटर्न करें और जिसका भी वो था पिज़्ज़ा। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिलता और आप पिज़्ज़ा खा लेते हैं तो फिर आपको उसकी पेमेंट देनी चाहिए। चैप्टर 6 है जी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? अब जो हमारा चैप्टर 5 था वो 68 से 72 तक है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वाला। अब चैप्टर 6 आ गया जी 73 से स्टार्ट हो रहा है, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज काज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो भी लॉस या डैमेज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से काज होगा वो उसकी कंपनसेशन क्लेम कर सकती है दूसरी भी पार्टी जिसको भी वो नुकसान हुआ है, और जिसने नुकसान पहुंचाया है वही पे करेगा। आगे है जी 73 था वो, ये 74 है आगे। कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। अगर कोई पेनल्टी स्टिपुलेटेड थी कॉन्ट्रैक्ट में, ये लिख दिया गया था कि अगर किसी ने ये ब्रीच की तो वो इतनी अमाउंट पे करेगा, तो फिर वही अमाउंट पे करेगी। 75 कहता है जी अगर कोई पार्टी राइटफुली रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट इंटाइटेड टू कंपनसेशन। अगर किसी पार्टी ने राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करवाया तो वो क्लेम हासिल करने की इंटाइटल्ड है। अब चैप्टर 5 था जो 73 से 75 तक 73 4 5 तीन सेक्शन है इसके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। आगे जो चैप्टर 7 है सेल्स ऑफ गुड्स, ये ओमिट रिपील्ड हो गया है, और सेक्शन 76 से 123 तक
सारे सेक्शन रिपीट है। आगे 124 आ जाते हैं, चैप्टर 8 ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइंड, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसज टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस। एक पार्टी जो है दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब एक पार्टी है जो प्रोमिस करती है दूसरे को कि भाई मैं आपको जो भी नुकसान होगा मेरी ज़ात की वजह से या किसी और की वजह से उस नुकसान को पूरा मैं करूँगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। 125 सेक्शन कहता है जी राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। अब राइट इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या क्या हैं अगर उसके खिलाफ सूट फाइल हो जाए, तो जितने भी डैमेजेस उसको हुए हैं वो सारे उसको पे करेगा, जितनी कॉस्ट आई है उसको पे करेगा, अगर कोई उसके ऊपर कोई अदर समझा कोई खर्चा वगैरह हुआ है तो उसको भी वो पे करने का पाबंद है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई नुकसान होगा तो वो उसको पूरा करेगा। इसमें बेस्ट एग्जांपल वो इंश्योरेंस कंपनी वाली आती है, अगर कोई आपने कार की इंश्योरेंस करवाई है, घर की इंश्योरेंस करवाई है, तो उस घर पे जो भी खर्चा आएगा, एक तो नुकसान जो हुआ वो उसको पे करेगा, फिर उसको ठीक करने में जितना भी एक्सपेंस जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो भी पे करने की पाबंद होती है। सेक्शन 126 है जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो है ना वो तीन पार्टीज होती हैं, एक होती है श्योरिटी जो गारंटी देने वाला होता है, एक प्रिंसिपल डेटर जिसने कर्जा लिया होता है, और एक होता है क्रेडिटर जिसने कर्जा दिया होता है। और गारंटी जो है वो ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। सेक्शन 127 कहता है जी कंसिडरेशन फॉर गारंटी। कंसिडरेशन फॉर गारंटी के लिए जो वो कहता है कि कोई भी प्रॉमिस अगर वो कर देता है और प्रिंसिपल के बेनिफिट में, तो वो क्या होगा? सफिशिएंट कंसिडरेशन होगी फॉर श्योरिटी। सेक्शन 128 सो श्योरिटी इज़ लाइबिलिटी। अब श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या है जी? को एक्सटेंसिव है कि वो प्रिंसिपल डेटर अगर फेल होगा तो श्योरिटी उसकी परफॉर्मेंस करेगा। सेक्शन 129 है जी कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है कि अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी, मतलब जैसे आप एक शॉपकीपर को आप कह देते हैं कि जी ये फलां बंदा जितनी भी चीज़ें आपसे ही ले जाए तो मेरी गारंटी है मैं पैसे गिव करूँगा, वो महीने में 10 लाख का बिल बना देता तो आपने पे करना है फिर, क्योंकि गारंटी दी है। सेक्शन 130 है जी रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो किसी भी टाइम पर रिवोक हो सकती है। एक महीने के लिए आपने कह दिया, एक महीने बाद आपको पता चला जी उसने तो बिल इतना बनाया, आपके भी रेट से बाहर हो गया, तो आप उसको रिवोक कर सकते हैं, या फिर डेथ ऑफ दी नोटिस करेंगे आप फिर क्रेडिटर को कि भाई मैं ये मेरी तरफ से गारंटी रिवोक हो गई है, अब आप जाने और वो जाने, दो या ना दो आपकी मर्जी। सेक्शन 131 कहता है जी रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ। श्योरिटी अगर मर जाएगा तो फिर कंटिन्यूइंग गारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ कंटिन्यूइंग गारंटी की हद तक है, जो नॉर्मल गारंटी है उसकी हद तक नहीं है, वो श्योरिटी की डेथ पर ख़त्म नहीं होती। 132 है जी लाइबिलिटी ऑफ टू persons प्राइमरली लाइबल नॉट अफेक्टेड बाय अग्रीमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। अब अगर दो लोग इस बात पर अग्री हैं कि जी एक ने अगर मतलब दो श्योरिटी होगी ना इसमें, एक प्रिंसिपल डेटर ने अगर पैसे ना के पे किए तो ए पर्सन एक पे करेगा, अगर ए ने ना पे किया फिर तो बी ने पे क्या करेगा, तो फिर दोनों की लाइबिलिटी होगी। 133 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरियंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंजिंग कर देते हैं और श्योरिटी को नहीं बताते तो फिर श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 134 है जी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर उसने क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया या डिस्चार्ज कर दिया, मतलब उसने पैसे पे कर दिया तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। सेक्शन 135 फाइव है जी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और अग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। अगर श्योरिटी ने डिस्चार्ज टाइम दे दिया है या उसने कह दिया कि मैं तेरे खिलाफ सूट फाइल नहीं करूंगा प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 136 कहता है जी श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। हाँ श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा अगर उसने टाइम प्रिंसिपल डेटर को देने के बजाय किसी और को कह दिया कि हाँ भाई ठीक है चल मैंने फलां बंदे को मजीद टाइम दिया कि वो इतने टाइम तक पेमेंट कर दे, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। 137 है जी क्रेडिटर्स फॉर बेरेंस टू सूट डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। अगर क्रेडिटर जो है वो सूट फाइल नहीं करता प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ तो भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। 138 रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर्स। अब को श्योरिटी जो है वो एक अगर डिस्चार्ज हो गई है तो दूसरी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सलामत रहेंगी। 139 है जी डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटी इज इवेंचुअल रेमेडी। अब
श्योरिटी अगर क्रेडिटर जो है वो कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है राइट्स ऑफ श्योरिटी के, या ओमिट करता है कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए ड्यूटी है जो उसने परफॉर्म करनी थी, या इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी हिमसेल्फ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज देयर बाय इम्पेयर्ड द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, तो क्या हो जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उसने टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया। 140 राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। अब अगर श्योरिटी ने कोई पेमेंट कर दी है या परफॉर्म कर दिया प्रिंसिपल डेटर के परफॉर्म, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्टेप इन टू शू हो जाएगा क्रेडिटर के, फिर वो श्योरिटी श्योरिटी नहीं रहेगा, वो क्रेडिटर बन जाएगा और वो रिकवर करवा सकते हैं अमाउंट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर से। 141 श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। अगर क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटीज़ हैं जो प्रिंसिपल डेटर की, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी गिरवी उसने रखवाई हुई सिक्योरिटी के तौर पर, या कोई स्टॉक्स हैं या कुछ भी रखा हुआ उसने, तो भी वो सारे के सारे बेनिफिट जो हैं वो श्योरिटी के मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141। 142 कहता है जी गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, अगर मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए कोई गारंटी ली गई है तो वो इनवैलिड है। 143 कहता है जी गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट इनवैलिड, अगर कुछ छुपाया गया है गारंटी लेते वक्त तो भी वो इनवैलिड होगी गारंटी, मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी नहीं होगी फिर। 144 गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अनटिल को श्योरिटी जॉइंस, अब अगर गारंटी इस टाइप की है कि दो लोग अगर ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो गारंटी नहीं मानी जाएगी, वो कहता है जी एक मैं पैसे नहीं देता, वो कहता है दे दे इसके कहने पे दे दे, वो कहता है मैं इसके कहने पे देता है एक और बंदा लेके आओ फिर दूंगा, तो वो दो लोग अगर नहीं आएंगे तब तक वो गारंटी वैलिड नहीं होगी। 145 कहता है जी इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, अब ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि वो जो प्रिंसिपल डेटर है वो इंडेमनिफाई करेगा श्योरिटी को। 146 को श्योरिटी लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, अब को श्योरिटी जो है वो लाइबल हैं इक्वल पे करने के लिए, मतलब दो लोग हैं तो दोनों ने बराबर बराबर श्योरिटी परफॉर्म करनी है इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। 147 है जी लाइबिलिटी ऑफ कोर्ट श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स, अब अगर कोई श्योरिटी लाइबल है डिफरेंट सम्स के हवाले से, मतलब उसने एक दफ़ा एक कर्जा लिया 3,000, ये जो इसमें एग्जांपल लिखी है कि एक दफ़ा उसने ज़्यादा का कर्जा ले लिया और एक पर्सन को श्योरिटी बनाया, फिर थोड़ा लिया, फिर दूसरे का बनाया, फिर थोड़ा लिया, फिर तीसरे का बना दिया, तो वो जिस हद तक उसकी लाइबिलिटी है वो उसी हद तक परफॉर्म करेगा। अब अच्छा जी चैप्टर ये हो गया 8, अब आ जाते हैं चैप्टर 9 ऑफ बेलमेंट। चैप्टर 9 बेलमेंट स्टार्ट होता है जी 148 से, बेलमेंट बेलर एंड बेली डिफाइंड। 124, 125, 126 से श्योरिटी स्टार्ट हुई थी और 147 तक श्योरिटी वाला चैप्टर चला चैप्टर 8, अब चैप्टर 9 स्टार्ट हो जाता है जी बेलमेंट का। 148 बेलमेंट बेलर एंड बेली डिफाइंड, अब बेलर जो होता है ये एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए फॉर द टाइम बेंग किसी काम को कम्प्लीट करने के लिए या अमानतन किसी को कोई चीज़ दी जाती है, तो वो जो देने वाला होता है वो बेलर होता है, जिसको दी जाती है वो बेली होती है, उसने स्पेसिफिक मतलब आप दर्जी को सूट देते हैं सिलने के लिए तो वो दर्जी जो है वो बेली हो गया, आप जो है वो बेलर हो जाएंगे। 149 डिलीवरी टू बेली होम मेड, अब डिलीवरी टू बेली जो है वो कैसे दी जाएगी, उसे आप जाके देंगे या उसके पास पड़ा हुआ सूट पहले से ही तो आप कहेंगे जी वो वाला भी सी दे, तो वो जो है उसकी अगर पोजेशन में ऑलरेडी मौजूद है या आप उसको होल्ड करेंगे खुद जाकर या ऑथराइज्ड एजेंट के ज़रिए, तो क्या होगा वो उसको डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन डिलीवरी ज़रूरी है बेलमेंट में। 150 है जी बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड, अगर बेलमेंट वाले गुड्स में कोई डिफॉल्ट है, कोई फॉल्ट है, कोई उसमें मसला है तो वो उसको बताएगा, मतलब उसने दर्जी को सूट दिया तो वो सूट फटा हुआ था, तो वो उसकी ड्यूटी है कि वो पहले बताए कि भाई यहाँ से फटा हुआ है और यहाँ से आप इसको देख लेना, अगर बनता है तो बना दें, नहीं बनता तो बता दें। 151 है जी केयर टू बी टेकन बाय बेली, अब बेली जो है वो उसके गुड्स की ख़ास ख्याल रखेगा, उसकी हिफाजत ऐसे करेगा जैसे कि वो उसके अपने चीज़ें हैं। 152 बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस इट इज ऑफ थिंग बेल्ड, अब अगर कोई जो नेचुरल मतलब डिस्ट्रक्शन होती है तो वो उसके हवाले से बेली जो है वो लायबल नहीं है, अदरवाइज जो है बेली लायबल होता है। 153 टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑफ बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस, अगर बेलमेंट में बेली ने कोई एक्ट ऐसा किया जो कि टर्म्स एंड कंडीशन के अगेंस्ट है तो फिर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वो उसे कंपनसेशन देगा। 154 लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ गुड्स बेल्ड, अब अगर बेली ने कोई अनऑथराइज्ड यूज़ किया मतलब उसने सूट सिया और सी के खुद पहन लिया तो फिर क्या करेगा वो कंपनसेशन पे करेगा बेलर को। 155 है जी इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज़,
अब अगर उसने गुड्स मिक्स कर दिया किसी दूसरे गुड्स के साथ, मतलब उसके अपने गुड्स से और बेलर के भी गुड्स से उन्होंने उस दोनों को मिक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा? गुड्स द बेलर हुज ओन गुड द बेलर बेली शैल हैव इंटरेस्ट द प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्ट शेयर इन द मिक्सचर दस प्रोड्यूस, तो जितना उसने मिक्स किया है वो उसको पे करेगा। 156 है जी इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड, अगर उसने गुड्स सेपरेट मिक्स कर दिए और वो सेपरेट हो सकते हैं और बेलर के कंसेंट के बगैर किए हैं, तो फिर वो उनको अलग करेगा और उसका जो भी खर्चा वगैरह आएगा वो बेली पे करेगा क्योंकि उसने मिक्स किया। 157 है जी इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, अब अगर गुड्स सेपरेट नहीं किया जा सकता तो फिर उसको जो नुकसान होगा वो भी बेली पे करेगा कंपनसेशन। 158 रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस, अब अगर जो है उसके ऊपर कोई ज़रूरी खर्चा होना होगा तो वो जो है वो पेमेंट रीपेमेंट बेलर फिर पेमेंट करेगा, मतलब ये कि अब जैसे सूट है ना तो सूट के ऊपर सिलने के लिए जो ज़रूरी खर्चा आता है कि उसके लिए वो धागा चाहिए होता है, वो चेपी बुकरम चाहिए होती है, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो जो है बेलर ने प्रोवाइड करनी है उसको, उसकी पेमेंट करेगा बेली बेलर बेली को। 159 रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेट्यूशली, सॉरी ये मुझे वर्ड ही प्रोनाउंस नहीं करने थे, मतलब ये मुफ्त वाला होता है कि अगर गुड्स जो है वो मुफ्त में दिए गए हैं तो वो उसको वापस करने का पाबंद है, मतलब जैसे कि अगर वो सूट किसी को, वो अक्सर कजन्स में चलता है कि वो एक सूट चाहिए होता है शादी में जाना तो वो दूसरे का पहन के उधार लेके और से शादी में चल जाते, लेकिन वो पहन लिया तो मतलब ये नहीं होता कि उसने रख लेना है, उसे वापस करना होता है। 160 सेक्शन रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पज़, अब जब वो टाइम पूरा हो जाएगा या जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो उसे वापस करना है, मतलब वही सूट वाले एग्जांपल ले ले तो वो वापस करना होता है पहनने के बाद शादी खत्म और सूट वापस। 161 बेली इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न्ड, अब बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जी अगर उसने गुड्स वापस नहीं किए, इफ़ द डिपार्ट ऑफ द बेली द गुड्स आर नॉट रिटर्न्ड डिलीवर्ड अटेंडेड द प्रॉपर ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस डिस्ट्रक्शन डिटेरियोरेशन और गुड्स फ्रॉम दैट टाइम, तो जो भी नुकसान हुआ है वो बेली पूरा करेगा। 162 है जी टर्मिनेशन ऑफ ग्रेट्यूशियस बेलमेंट बाय डेथ, डेथ की सूरत में ये जो मुफ्त वाली बेलमेंट है वो खत्म हो जाएगी। 163 बेलर इंटाइटल टू इंक्रीज और परफॉर्म प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल्ड, बेलर जो है वो इंटाइटल्ड है अगर उसकी वजह से कोई वो प्रॉफिट परफॉर्म हुआ है, इसकी बेस्ट एग्जांपल इसमें लिखी हुई है कि अगर एक काउ जो है गाय किसी ने ए ने बी को दी केयर करने के लिए, उसके बाद गाय ने जो है वो बच्चा दे दिया तो वो बच्चा जो है वो ए का ही होगा ना कि बी का होगा। 164 है जी बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेलर, अब बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, बेलर अभी तक हम पढ़ रहे थे बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली, और अब आ जाती हैं बेलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस हवाले से, बेली को अगर कोई भी उस चीज़ की वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो वो बेलर लाइबल है। 165 बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, अगर कोई सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं तो गुड बेल्ड किया देम बाय डिलीवर देम बैक टू अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ वन जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस, मतलब एक से ज़्यादा लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उनमें से कोई एक जाके कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो दे दो हमें, तो वो परफॉर्म हो जाएगा, वो अग्रीमेंट जो है वो अकम्प्लीट समझा जाएगा, सिवाय इसके कि कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर ना हो रही, मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्ट में वो लिख दें कि अगर फलां बंदा ही लेने आएगा या हम सब लेने आएंगे तो फिर आपने देना है अदरवाइज नहीं देना। सेक्शन 166 है जी बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल, अब जो है बेलर जो है उसके पास कोई टाइटल नहीं है गुड्स का और बेली जो है वो गुड फेथ में डिलीवर कर देते हैं उसको बेलर को, और जो कि रिस्पॉन्सिबल ही नहीं था, जो एक्चुअल ओनर ही नहीं था द बेली, तो फिर बेली जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस वाले से क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था ना कि वो ओनर है या नहीं है। 167 कहता है जी राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड, अब थर्ड पर्सन के राइट क्या है अगर वो बेल्ड के हवाले से, ये बेसिकली 166 की ही फर्दरेंस में है ये सेक्शन, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर एंड डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि किसका टाइटल है, अब ऐसी सूरत में जो बेली है वो इंटरप्लीडर सूट फाइल कर सकते हैं सीपीसी के तहत। 168 राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सू फॉर स्पेसिफिक रिवार्ड ऑफर, अब फाइंडर ऑफ गुड्स का के अगर कोई स्पेसिफिक रिवार्ड, मतलब किसी का कोई पर्स गुम हो गया और वो ऐलान करता है जी जो मेरा पर्स ढूंढ के देगा
तो वो मैं उसको 1,000 रुपये दूंगा। तो फिर वो 1,000 रुपये देने का पाबंद है अगर कोई भी उसका फेंडर गुड वाला पर्सन वो पर्स ले आता है तो। 169, वन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है और वो चीज़ ऐसी है जो कि अगर रखी जाए तो ख़राब हो जाती है या उसको ख़त्म ख़राब होने का अंदेशा है तो फिर वो उसको सेल कर सकते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स। 170 है जी, बेली इज पर्टिकुलर लेन। अब बेली के पास जो है वो अगर बेलर ने उसके कोई पैसे रिमोनरेशन चार्जेस वगैरह देने वो नहीं दे रहा तो वो उसका मतलब तो वो दर्जी है तो वो सूट उसका रख सकता है। दर्जी वाली एग्जाम्पल इसमें दी हुई। 171, जनरल लेन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, बार फिंगर्स, अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रोकर्स। मतलब इसमें भी ये उसी तरह का ही है कि अगर कोई बैंकर्स है तो जैसे ये वो बैंक से आप लोन लेते हैं तो वो गाड़ी रख लेते हैं तो, और अगर आपने पेमेंट नहीं की तो वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, ये उस टाइप की चीज़ है। बेलमेंट्स ऑफ प्लेज, 172 है जी, प्लेज पानर एंड पानी डिफाइंड। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड पानर, द बेली इज़ द पानी। मतलब अगर कोई ये बेसिकली मॉर्गेज से रिलेटेड है, मॉर्गेज जो होते हैं गिरवी रखना इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को ही रहन रखवा रहे हैं तो वो पानर पानी होता है। 173 है, पानी इज राइट ऑफ रिटेनर। अब अगर पानी को उसके वो जो नेसेसरी रिमोनरेशन है या एक्सपेंसिस जो उसने उसके ऊपर किए हैं वो नहीं मिल रहे तो वो उसको रिटेन रखने का हक रखता है। 174 है जी, पानी नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज्ड, प्रिजम्पशन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस। द पानी शैल नॉट इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी रिटेन द गुड्स। अब वो कहते हैं कि पानी रिटेन नहीं करेगा गुड्स को अगर उसे ऑफ एनी डेट प्रॉमिस अदर देन द डेट और प्रॉमिस फॉर विच दे आर प्लेज। मतलब जिस चीज़ के लिए उसको प्लेज किया गया वो उसी हवाले से, मतलब एक बंदे ने अगर किसी के पहले के कई पैसे देने थे तो वो उस हवाले से उसको रिएम्बर्स नहीं करेगा जिस चीज़ का रखा गया था, जो उसका डेट करंट डेट है, करंट डेट के हवाले से यही अप्लाई होगा राइट ऑफ रिटेंशन वाला। ये नहीं कि उस वो कहे कि जी ये मैंने चीज़ रख ली, आपने मेरे वो फलां 10,000 पहले के पैसे देने थे पहले वो दें और फिर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इन एब्सेंस एनीथिंग टू कंट्रेडी शैल बी प्रिज्यूम टू रिगार्ड सब्सिक्वेंट एडवांटेज मेड बाय द पानी। मतलब जो उस पान वाले कॉन्ट्रैक्ट के बाद के जो भी एडवांसेस है ना उस हवाले से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, पहले वाला नहीं चल सकता। 175 है जी, पानी इज़ राइट टू एज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। पानी का राइट है कि अगर उसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस ने किया तो वो उससे वसूल कर सकते हैं। 176, पानी इज़ राइट वेयर पानर मेक्स डिफॉल्ट। अगर पानर डिफॉल्ट करता है तो फिर पानी जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है या उसे अफोर्डेबल करता है। 177, डिफॉल्टिंग पार्नर्स राइट टू रिडीम। अब जो डिफॉल्टिंग पार्नर है उसके पास राइट टू रिडीम है, मतलब वो उसने पानी ने उसकी चीज़ें रख ली थी तो पार्नर के पास क्या है वो उसको वापस ले सकता है और जो भी उसका उस नुकसान हुआ है या जो भी उसके कंपनसेशन वगैरह थी वो उसे पे करेगा। 178 है जी, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। अब अगर मर्केंटाइल एजेंट है जी, वेयर मर्केंटाइल एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द पार्नर इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट टाइटल गुड्स प्लेज हिम वेयर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब जो मर्केंटाइल एजेंट है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एक्ट करेगा, शैल बी वैलिड एज इफ एक्सप्रेसली थोड़ा जो थोड़ा, मतलब उसने एक्सप्रेसली कोई बात बेशक नहीं भी की लेकिन ऑर्डिनरी गुड्स में। अब एक बंदा आता है जो दर्जी की दुकान पे वो सूट देख के चला जाता है, वो कहता नहीं है कि जी मेरा ये सूट सिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीने के लिए नहीं देख गया, क्योंकि वो कह क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कपड़े सीने के लिए बैठा है, जो देख गया वो सिलवाने के लिए ही देख के गया ना। 178 है, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, व्हेन द पार्नर हैज़ ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड बाय हिम अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल अंडर सेक्शन 19 और सेक्शन 19 है, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन रिसेंडेड एट द टाइम ऑफ द प्लेज, द पानी एक्साइड्स अ गुड टाइटल टू द गुड्स प्रोवाइडेड ही एक्ट्स इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द पार्नर्स डिफॉल्ट डिफेक्ट इन टाइटल। 179 है जी, प्लेज वेयर पार्नर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट। अगर पार्नर का लिमिटेड इंटरेस्ट है तो फिर क्या होगा कि वो उस अपने इंटरेस्ट हद की हद तक वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सूट बाय बेलर और बेली इज अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। 180, सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर के खिलाफ दोनों सूट फाइल करते हैं, मतलब बेलर या फिर बेली जो भी डिफॉल्टर है। 181 है जी, अपॉर्चुनमेंट ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन ऑब्टेंड बाय सच सूट्स। अगर कोई व्हेनेवर इज ऑब्टेंड
वेट एवर इज ऑब्टेन बाई वे ऑफ रिलीफ और कंपनसेशन इन एनी सच सूट एज बिटवीन द वेलर एंड द वेली बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, जितना उसका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो परफॉर्म करेंगे। अब अच्छा अच्छा नहीं से मैं कर देती हूँ, सोची थी एजेंसी को अलग से करूँ। चैप्टर 10 जी लास्ट चैप्टर है इसका एजेंसी का, अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट। 182 एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड। एजेंट जो होगा प्रिंसिपल, जो अथॉरिटी देने वाला और जिसको अथॉरिटी दी जाती है वो एजेंट, मतलब जो उसके बिहाफ पर काम करता है उसको एजेंट कहते हैं। 183 हु में एम्प्लॉय एजेंट, कोई भी पर्सन जो कि मेजर है वो साउंड माइंड है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं एजेंट को। 184 हु में बी एन एजेंट, कौन एजेंट हो सकता है, वही साउंड माइंड मेजर जो है वो एजेंट हो सकता है। 185 कंसल्टेशन नॉट नेसेसरी, कंसल्टेशन जो है वो नेसेसरी नहीं है एजेंसी के लिए। एक सेक्शन 25 में एक्सेप्शन है कंसल्टेशन की और एक 185 में एक्सेप्शन है कंसिडरेशन की। 186 एजेंट्स अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों हो सकती हैं एजेंट की अथॉरिटी। 187 है जी डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब उसने बाई वर्ड्स स्पोकन या रिटर्न कहा तो वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो जाएगा, या उसने कुछ कहा ही नहीं है इशारा तन कह दिया तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा। 188 एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, जितनी लॉफुल थिंग होगी जो नेसेसरी होगा डू करने के लिए तो वो उस हद तक जाएगा, अदरवाइज उससे बढ़कर नहीं कहेगा, जितना प्रिंसिपल ने कहा है उतना ही एजेंट परफॉर्म करेगा। 189 है जी एजेंट्स अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी, एमरजेंसी की सूरत में एजेंट जो है वो ऐसे काम करेगा जैसे कि वो उसका खुद अपना काम है, सब एजेंट है जी। 190 में वैन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एजेंट जो है वो किसी को सब एजेंट नहीं रख सकता लेकिन वो रख सकता है प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ अगर वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली मिल गई हो तो। 191 है सब एजेंट डिफाइंड, सब एजेंट क्या है जी, एजेंट खुद आगे किसी और को एजेंट रख लेता है तो वो सब एजेंट होता है। 192 रिप्रेजेंट, इसे हम आसान फर्ज में वो कहते हैं नौकर के आगे जाकर। 192 रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड, अब अगर एजेंट प्रॉपरली अपॉइंट किया गया तो वो रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल को। एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा सब एजेंट का, सब एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो प्रिंसिपल एजेंट को, ना कि वो प्रिंसिपल को, सिवाय इसके कि वो बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग, सिवाय फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग के। 193 एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी, अगर कोई सब एजेंट जो है विदाउट अथॉरिटी अपॉइंट किया गया तो प्रिंसिपल जो है वो उसका लाइबल नहीं होगा। 194 रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी, अब जो प्रिंसिपल और एजेंट के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, इम्प्लाइड हो या एक्सप्रेस हो, अथॉरिटी क्या है वो उसके बिहाफ पर काम करेगा जैसे कि खुद उसने ही किया और जो भी काम उसको इंटरेस्ट किया जाएगा वो उसी को करेगा। 195 है जी एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन, इन सिलेक्टिंग द एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब वो ऐसे काम करेगा जैसे कि खुद उसका अपना ही काम है। अब रेटिफिकेशन 196 राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन, अब अगर एजेंट ने कोई ऐसा काम कर लिया जो कि प्रिंसिपल ने ऑथोराइज नहीं किया गया तो फिर प्रिंसिपल जो है वो उसको ऑथोराइज करने का हक रखता है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है मैंने इसको ऑथोराइज कर दिया तो फिर ठीक है, अदरवाइज उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 197 रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, अब ये एक्सप्रेस इम्प्लाइड वाली तीसरी चीज़ उसमें आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकता है, एजेंसी भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड हो सकती है और रेटिफिकेशन भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकती है। 198 नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर वैलिड रेटिफिकेशन प्रिंसिपल की, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटीरियली डिफेक्टिव, अब कोई भी वो ऐसी रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगी जिसमें स्पेसिफिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, मतलब प्रिंसिपल को पता होना चाहिए कि मैं ये एक्ट को रेटिफाई कर रहा हूँ ये कौन सा एक्ट है तो फिर रेटिफिकेशन वैलिड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। 199 इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, अब अगर तो प्रिंसिपल ने रेटिफाई कर दिया कोई ऐसा एक्ट ऑथराइज तो फिर वो भी वैलिड हो जाएगा। 200 रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज एक्ट कैन नॉट इंजर्ड थर्ड पर्सन, रेटिफिकेशन जो है वो किसी तीसरे पर्सन को नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब उसने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता तो उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। 201 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी,
अब एजेंसी जो है वो कब ख़त्म हो सकती है? प्रिंसिपल जब जाता है तो वो रिवोक कर सकता है किसी भी एजेंसी को, मतलब एजेंट को हटा सकता है बिजनेस की, या फिर बिजनेस एजेंसी बीइंग कंप्लीटेड, या फिर अगर वो टाइम जो भी बिजनेस उसे जो भी काम दिया गया तो वो काम उसने पूरा कर दिया, ख़त्म हो गया तो एजेंट भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो एजेंट इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड हो गया है तो ख़त्म हो सकती है। 202 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी वेयर एजेंट हैज़ एन इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। अगर एजेंट का कोई उसमें सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट खुद का डिवेलप हो गया, मतलब वो खुद अपना अलग से काम करने लग गया उसी के वहाँ पर, तो भी टर्मिनेशन हो सकती है एजेंसी की। 203 व्हेन द पर्सन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। प्रिंसिपल जो है वो रिवोक कर सकता है एजेंट की अथॉरिटी किसी भी टाइम पर भी। 204 रेवोकेशन व्हेन वेयर अथॉरिटी हैज़ बीन पार्टली एक्सरसाइज। अगर रेवोकेशन जो है वो अथॉरिटी जो है वो उसने कुछ हिस्सा परफॉर्म किया था और कुछ हिस्सा भी रहता था तो क्या होगा? एंड एक्ट्स एप्लीकेशन अराइज एक्ट्स ऑलरेडी डन द एजेंसी, तो प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक। तो फिर प्रिंसिपल रिवोक नहीं हो सकता क्योंकि उसने जो हिस्सा परफॉर्म कर लिया है या जो मजीद करना है वो एजेंट ने चूँकि कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो वो एजेंट ही परफॉर्म करेगा। ये एक्चुअली उसकी एक्सेप्शन है रेवोकेशन की, रेवोकेशन ऑफ एजेंसी की 204 में एक्सेप्शन है। 205 कंपनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रिनंसिएशन बाय एजेंट। वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दैट द एजेंसी शुड बी कंटिन्यूड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, द प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन टू द एजेंट और द एजेंट टू द प्रिंसिपल एज द केस मे बी फॉर एनी प्रीवियस रेवोकेशन और रिनंसिएशन ऑफ द एजेंसी विदाउट सफिशेंट काज, बगैर किसी सफिशेंट काज के वो ख़त्म नहीं कर सकता। 206 नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रिनंसिएशन। नोटिस देकर रेवोकेशन का या रिनंसिएशन का, अब ये रेवोकेशन और रिनंसिएशन में क्या फ़र्क है? रेवोकेशन है कि प्रिंसिपल रिवोक कर रहा है और रिनंसिएशन मतलब एजेंट छोड़ रहा है। 207 रेवोकेशन और रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभी ये चीज़ आ गई एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाली। 208 व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू थर्ड पर्सन। अब टर्मिनेशन का अगर कोई इफेक्ट हो रहा है किसी थर्ड पर्सन पर बिफोर इट बिकम नॉन टू देम, द टर्मिनेशन अथॉरिटी एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड द एजेंट टेक इफेक्ट बिकम्स बिफोर इट कम बिकम्स नॉन टू हिम और सो फार एज रिगार्ड द थर्ड पर्सन बिफोर इट बिकम्स नॉन टू हिम, मतलब अगर किसी थर्ड पर्सन है या उसमें एजेंट है अगर उसे पता ही नहीं है कि वो एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो गई है तो उसका इफेक्ट नहीं होगा, अगर उसे पता चल जाएगा तो फिर उसका इफेक्ट होगा, फिर मतलब वो मजीद फर्दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा उस एजेंट के साथ। 209 है जी एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और इंसैनिटी। अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाती है या वो इंसैन हो जाता है तो फिर एजेंट की जरूरत है कि वो रीजनेबल स्टेप्स लेगा फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट और इंटरेस्टेड टू हिम। 210 है जी टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी। अगर सब एजेंट्स की अथॉरिटी जो है वो टर्मिनेट क्या हो सकती है? एजेंट्स की अथॉरिटी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम, मतलब एजेंट प्रिंसिपल को अथॉरिटी ख़त्म करना है एजेंट का काम है और एजेंट की अथॉरिटी सब एजेंट एजेंट जो है वो सब एजेंट की अथॉरिटी ख़त्म कर सकता है। एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल। 211 एजेंट्स ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस। अब एजेंट की क्या ड्यूटी है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए? एन एजेंट इज़ बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, मतलब जो भी डायरेक्शंस प्रिंसिपल ने दिए हैं जो भी बिजनेस की नेचर है उसी तरीके से ही वो एक्ट करेगा एजेंट। 212 स्किल एंड इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। एजेंट के जरिए मतलब एजेंट ऐसा बंदा हो सकता है जिसके पास कोई स्किल एंड इंटेलिजेंस है जो प्रॉपरली वर्क कर सके। 213 है जी एजेंट्स अकाउंट। एजेंट जो है वो अकाउंट एबल है फॉर प्रिंसिपल को कि वो जो भी उसके ट्रांजैक्शन करता है तो वो उसका प्रॉपर अकाउंट देगा कि मैंने ये पैसे यहाँ खर्च किए यहाँ से आए ये वो इट इज़ ही। 214 है जी एजेंट्स ड्यूली टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। एजेंट जो है वो कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल के साथ के जो भी मामलात हैं बिजनेस के रिलेटेड। 215 है जी राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट। अब अगर तो प्रिंसिपल की कंसेंट के बगैर एजेंट ने कोई काम किया है और वो उसको नुकसान दे गया है तो फिर प्रिंसिपल जो है वो उसको क्लेम कर सकता है। 216 है जी प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट गेंड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। बिजनेस ऑफ एजेंसी के दौरान एजेंट खुद अपना काम नहीं कर सकता, अगर उसने किया तो वो प्रिंसिपल
जो है वो उस राइट को ले सकता है। 217 एजेंट्स राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। अब प्रिंसिपल के अकाउंट से मतलब अगर प्रिंसिपल ने कोई पेमेंट वगैरह एजेंट को करनी और वो नहीं दे रहा तो फिर एजेंट का राइट है कि वो रिटेन कर सकते हैं उन सम में से जो कि प्रिंसिपल के अकाउंट, मतलब प्रिंसिपल को जो उसने पैसे देने उन पैसों में से वो पहले अपने रिमुनरेशन लेगा और फिर उसको दे सकते हैं। 218 है जी एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम्स रिसीव्ड फॉर प्रिंसिपल। अब एजेंट की ड्यूटी है कि वो सारे के सारे पैसे जो भी रिसीव हुए हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो सारे उसको देगा। 219 है जी व्हेन एजेंट्स रिम्यूनरेशन बिकम्स ड्यू, एजेंट के रिम्यूनरेशन अगर ड्यू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जब तक कि वो कंप्लीट पे नहीं कर देता तो वो एक्चुअली काम उसका कंप्लीट नहीं करेगा, मतलब एजेंट जो है वो काम नहीं करेगा जब तक कि वो उसको उसकी परफॉर्मेंस नहीं कर देता प्रिंसिपल। 220 है जी एजेंट नॉट इंटेंडेड टू रिम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड, अगर एजेंट जो है मिसकंडक्ट करता है तो उसको कोई रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। 221 है एजेंट्स लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, एजेंट जो है वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में लियन कर सकता है अगर उसने इन द एब्सेंस ऑफ कंट्रेरी एजेंट इज एंटाइटेड टू रिटेन गुड्स प्रॉपर एंड प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल मूवेबल प्रिंसिपल रिसीव बाय हिम, अगर प्रिंसिपल ने उससे रिसीव की थी कोई चीज़ एंटिल द अमाउंट ड्यू हिम सर कमीशन कमीशन डिसबर्समेंट, मतलब उसका कोई कमीशन वगैरह कोई बनती है चीज़ वो नहीं देगा तब तक वो रिटेन कर सकता है। प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट 222 एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट्स, अगर उसने कोई लॉफुल एक्ट किया है और उसकी वजह से उसने कोई अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दिया कंफर्टेबल द एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनीफाइड एज हिम अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाय सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कंफर्ड अपॉन हिम, तो क्या होगा प्रिंसिपल उसको इंडेमनीफाई करेगा। 223 एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ वेयर वन पर्सन इम्प्लॉयज एन अदर टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट इन गुड फेथ द एम्प्लॉयर इज लाइबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एक्ट दो इट कॉज एन इंजरी और टू द राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन। अब एजेंट को जो इंडेमनीफाई किया जाएगा कोई भी एक्ट जो उसने गुड फेथ में किया उसके कॉन्सिक्वेंस में। 224 है जी नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट, अब एम्प्लॉयर की मतलब प्रिंसिपल की कोई लाइबिलिटी नहीं अगर उस वो कोई एजेंट क्रिमिनल एक्ट करता है। 225 है जी कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स निगलेक्ट, अगर प्रिंसिपल के निगलेक्ट की वजह से कोई इंजरी काज हुई है एजेंट का तो वो उसे पूरा करेगा। इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन 226 इन्फोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम एक्ट्स डन बाय एन एजेंट मे बी इन्फोर्स इन द सेम मैनर एंड विल हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज इज द कॉन्ट्रैक्ट हैड बीन एंटर्ड इनटू एंड द एक्ट्स डन बाय द प्रिंसिपल इन पर्सन। 227 जी प्रिंसिपल हाउ फार बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, जितनी अथॉरिटी को वो रेटिफाई कर देगा उसकी हद तक वो बाउंड है अदरवाइज नहीं होगा। 228 है प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सुपेरेबल, मतलब उसने जो अथॉरिटी एक्सरसाइज की है उसको उसका अजाला ही नहीं किया जा सकता तो वो नहीं कर सकता। अथॉरिटाइज टू बी रुपीज 500 शीप फॉर हिम बी बाइज 500 शीप एंड 2000 लैम्स फॉर वन ऑफ सम 6000 रुपीज, ये मेरे पीरियड द होल ट्रांजेक्शन ठीक है। 229 है जी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, नोटिस गिवन टू और इन्फॉर्म अच्छा इन्फॉर्म ऑब्टेंड बाय द एजेंट प्रोवाइडेड इट गिवन ऑब्टेंड बाय इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड फॉर हिम फॉर द प्रिंसिपल शैल एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज हैव द सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एज इफ हैड बीन गिवन टू और ऑब्टेंड बाय द प्रिंसिपल। 230 है जी एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स नॉर बी बाउंड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट जो है पर्सनली इन्फोर्स लाइबल नहीं होता और उसके बिहाफ पर ही वो काम करता है जो भी करता है। 231 राइट्स ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड, अगर एजेंट ने बताया ही नहीं था कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल उस हवाले से लाइबल नहीं है, अगर उसकी वजह से कोई प्रिंसिपल का नुकसान होता है तो वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन। 230 द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, एजेंट जो है वो ऐसे ही है जैसे कि प्रिंसिपल खुद। 233 है राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लाइबल, तो वो जो है इन केस वेयर एजेंट इज पर्सनली लाइबल पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड एंटर हिम इधर हिम और हिज प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लाइबल। 234 है द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल
टू एक्ट ऑन बिहाफ दैट प्रिंसिपल और एजेंट विल बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली लाइबल। अब अगर तो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट ने कई काम किया तो फिर वो एक्सक्लूसिवली लाइबल है। कौन लाइबल है? व्हेन अ पर्सन हु मेड कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट इंड्यूसेस द एजेंट टू एक्ट अपॉन देयर अपॉन द बिलीफ दैट द प्रिंसिपल ओनली विल बी हेड लाइबल और इंड्यूसेस द प्रिंसिपल टू एक्ट अपॉन द बिलीफ दैट, मतलब प्रिंसिपल ही लाइबल होगा। 235 है जी लाइबिलिटी ऑफ प्रिटेंडेड एजेंट। अगर कोई पर्सन एजेंट नहीं है लेकिन वह खुद को प्रिटेंड करता है कि वो एजेंट है तो फिर क्या होगा? प्रिंसिपल या तो उसको रेटिफाई करेगा, नहीं करता तो वो कंपनसेशन उससे क्लेम कर सकता है या डैमेजेस। 236 है पर्सन फॉल्सली कॉन्ट्रैक्टिंग एज एजेंट नॉट इंटाइटल टू परफॉर्मेंस। अगर कोई फॉल्सली एजेंट तो कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 237 लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीफ दैट एजेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्ट्स वर्ड्स वर अनऑथोराइज्ड। अब अगर प्रिंसिपल ने अनऑथोराइज एक्ट्स को ऑथोराइज कर दिया है तो वो लाइबल है, अदरवाइज नहीं है। 238 इफेक्ट ऑन अग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन कर दिया तो फिर वो उसको परफॉर्म करने का पाबंद नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइडेबल हो जाएगा। चैप्टर 11 जो है पार्टनरशिप एक्ट, इसका वो रिपील्ड है, इससे अलग पार्टनरशिप एक्ट बन गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ।